बड़े उलमा ने, जैसे आपने देखा शहीद ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया, और जो आपके सामने आज इतने कामयाब और बड़े तरीन उलमा हैं, उनकी भी सीरत का अगर हम मुतालिया करें, बरसतेगे नूर के नाम से आयतुल्ला मरशी नजफी की जिंदगी की सवाहने और उनका जो वसीयतनामा अखलाकी है वो इसके अंदर, इस किताब के अंदर जमा किया गया है। तो आयतुल्ला मरशी नजफी फरमाते हैं कि जब ये जवान थे, आयतुल्ला मरशी नजफी 1343 हिजरी कमरी में मासूमा कुम के हरम में नमाज जमात अदा नहीं होती थी। मासूम कुम का नाम आया तो एक दूध भेजे नाम वाले, कह रहे उस जमाने में मासूम कुम के रोजे में नमाज जमात कायम नहीं होती थी। मैं वो पहला शख्स हूं कि जिसने मासूम कुम के रोजे में नमाज फजर का बाजमात एहतमाम किया, और मैं अजान फजर से एक घंटे पहले वहां पर पहुंच जाता था, और सर्दी और गर्मी की हरगिज परवाह नहीं करता था, हरगिज परवाह नहीं करता था। जवानी के दौर का ही ये वाकया आयतुल्ला मरशी नजफी। और कह रहे हैं कि यहां तक के बर्फबारी हो रही होती थी, मैं घर से बेलचा लेकर निकलता था और रास्ते की बर्फ हटाता हुआ मासूम कौम के हरम पहुंचता था। कह रहे मैं वहां पहला शख्स होता था, मैं वहां जाके अव्वल वक्त में पहुंचकर नमाज को फुरादा पढ़ता था। यहां तक कि एक दिन एक शख्स आया और उसने मुझे नमाज पढ़ते देखा अमामे अबा काबा में, वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने एक आदमी ने नमाज जमात पढ़ी, फिर उसके बाद दो तीन अफराद शामिल हो गए। यहां तक के आयतुल्ला मरशी नजफी की इमामत में कुम के अंदर बड़ी तरीन नमाज जमात कायम होने लगी। इखलास के साथ अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते थे। कह रहे हैं आज इस वाकये को 60 साल हो चुके हैं, जिस वक्त आकाए मरशी नजफी ने वाकया सुनाया और कहा कि अब रोजाना तीन बार तीन जमात की जो नमाज है उनकी इमामत मैं करवाता हूं, और उसके बाद वहीं मस्जिद बालासर के जहां पर आयतुल्ला मरशी नजफी दर्स दिया करते थे वहीं पर ये नमाज भी जो है वो पढ़ाते थे। तो उसके बाद आयतुल्ला मरशी नजफी को और तौफीकात भी मिली, अव्वल वक्त नमाज की अदायगी से अजीब अजीब नेकियों की तौफीकात मिलती हैं। यहां तक इंतहाई एशिया का सबसे बड़ा किताब खाना आयतुल्ला मरशी नजफी जो मासूम कुम के हरम से बाहर निकलते ही नजर आता है, वो सबसे बड़ा किताब खाना उन्होंने बनाया। तो आपने देखा कि बहरहाल आयतुल्ला मरशी नजफी जवानी में अव्वल वक्त नमाज की अदायगी के बाद कितने बड़े बड़े मुकाम इंतकाल के वक्त तक हासिल कर ली। ये बड़ी एक खसूसियत वाली बात है, अगर इसको इंसान सोच ले, कभी सोच भी नहीं सकता कोई शख्स के नमाजों को अव्वल वक्त में अदायगी से कितने बड़े मुकाम को हासिल किया जा सकता। अच्छा, इसमें जवानों के साथ साथ बूढ़े अफराद